एक बहुत प्यारी पंक्ति है एक भजन की। उसमें एक भक्त कहता है कि प्रभु आपने नियम लिया है कि आप वृंदावन से बाहर कभी कदम नहीं रखोगे, वृंदावन से बाहर कभी भगवान जाएंगे नहीं, भगवान ने कहा है। तो प्रभु जो लोग वृंदावन में नहीं रह पा रहे हैं, जो वृंदावन से बाहर हैं, उनका क्या होगा, वो बेचारे क्या करेंगे। तो उसमें ये पंक्ति बोली जाती है कि भक्त भगवान से कहता है, तुम कहते वृंदा काम करते हैं। ना आपकी बात टूटे ना हमारी टूटे, हम वृंदावन नहीं रह सकते, आप वृंदावन से बाहर नहीं रह सकते, तो बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो ये रास्ता क्या है? तब भक्त कहता है, इस दिल में आ जाओ, वृंदावन इस दिल में आ जाओ। बोलिए, सब गाइए। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें असल होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असल होगा, घर बैठे बुला लेंगे। और फिर अगली पंक्ति बड़ी प्यारी है। किसी ने कहा, भगवान ने पूछा, मैं तेरे घर आया तो क्या करेगा? ऐसे वैसे नहीं जाता मैं किसी घर, जब जाता हूँ जब मुझे दिखता है कि भाई हाँ, इसने व्यवस्था बढ़िया कर रखी है, अच्छी चौकी बिछाई है, अच्छा सिंहासन सोने चांदी, कहाँ बिठाएगा मुझे। तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ आ जाओ,
पलकों पे बिठा लेंगे एक बार तो आ जाओ पलकों पे बिठा लेंगे आहों में असर घर बैठे बुला देंगे आहों में असर होगा घर बैठे बुला देंगे। तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे। भगवान को बिठाने के लिए भैया कितना भी सुंदर स्थान दे दो पर अपनी पलकों पर बिठाएंगे हम आपको, अपने हृदय में बिठाएंगे हम आपको, क्योंकि जो अपने हृदय में भगवान को बिठाता है, जो अपने हृदय में ठाकुर जी को विराजमान करेगा, उसके लिए भगवान सारे सुख सुविधा त्याग करके भगवान कहते देख बेटा मैं रहता हूँ सिंधु में, सागर में, मुझे सिंधु में रहने की आदत है, तो क्या तेरे घर आऊंगा तो इतना जल मिलेगा तेरे पास सिंधु बराबर। भक्त ने कहा प्रभु ये तो बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने, सिंधु तो मेरे पास कहाँ से आया, हाँ पानी चाहिए तो मैं व्यवस्था कर दूंगा, आप जितना कहोगे एक आध बाल्टी एक आध टैंकर जो कहोगे वो व्यवस्था कर दूंगा, पर इससे ज्यादा तो क्या ही करूं। भगवान ने कहा नहीं 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 मुझे तो सिंधु में रहने की आदत है, पर बेटा कोई बात नहीं अगर तू सिंधु न ला सके तो कोई बात नहीं, पर तू अपनी आंख से प्रेम के दो बिंदु गिरा देना, अश्रु बिंदु गिरा देना, मैं उसी में समा जाऊंगा, मैं उसी में आ जाऊंगा, रहूंगा तो पानी में, रहूंगा तो जल में, ठाकुर जी को जल में ही रहने की आदत है, अब चाहे वो जल सिंधु का हो चाहे वो आंख के अश्रु बिंदु का हो, पर चाहिए ठाकुर जी को जल ही। बिना जैसे मैं बार बार कहती हूँ भैया, और देवी देवता दान से खुश हो जाएंगे, और देवी देवता तपस्या से खुश हो जाएंगे, और देवी देवता तुम्हारे किसी यज्ञ से प्रसन्न हो जाएंगे, पर हमारे जो ब्रज के ठाकुर हैं, ब्रज की जो सरकार है, ये तुम्हारे किसी साधन बाहरी साधनों से खुश नहीं होंगे जब तक आप इनके लिए भाव से इनको पुकारोगे नहीं, इनका आवाहन नहीं करोगे, इनके लिए रोगे नहीं, तब तक इनका हृदय पसीजेगा नहीं, पिघलेगा नहीं।